हेलो दोस्तों, मैं रोहन आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डनिंग दुनिया में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस रबर प्लांट की। मेन टॉपिक हमारा होगा अपने रबर प्लांट को बुशिया लुक कैसे दे, कैसे उसकी जो स्ट्रीम लाइनिंग, जो सिंगल लाइन हमारा ब्रांच निकलता है रबर प्लांट का, उसको रजिस्ट करके जो मल्टीपल ब्रांचेस है वो बूस्टअप करे और एक बुशी लुक दे। तो ये देख सकते हैं मेरे पास जो रबर प्लांट है हमारा कितना बुशियर लुक दे रहा है। बहुत सारी अराउंड 20+ इसमें मल्टी ब्रांचेस हैं हमारी। हर एक सिंगल ब्रांच पे हमारा मल्टी ब्रांच निकला हुआ है। ये देखिए यहाँ पे एक सिंगल ब्रांचेस पे 4 to 5 मल्टीपल ब्रांचेस निकले हुए हैं। तो ऐसे ही आप किस तरीके से अपना जो रबर प्लांट है वो इतना बुशियर बना सकते हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे तो बेस्ट ट्रिक हमारी जो किसी भी प्लांट की, रबर प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, बुशियर लुक बनाने के लिए उसकी प्रूनिंग एंड पिंचिंग करना सबसे बेस्ट होता है। जब हम उसकी प्रूनिंग करते हैं तो जो जहाँ से हम प्रूनिंग करते हैं वहाँ से इसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलनी शुरू होती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो देखिए ये नोड एरिया है, यहाँ पे इसकी प्रूनिंग की गई थी। अब यहाँ से देखिए इसके मल्टीपल ब्रांचेस निकलना शुरू हो गए हैं। ऐसे ही मैं और एक दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए ये जो आपका प्रून एरिया है इसके साइड से 3 मल्टीपल ब्रांचेस निकले हैं। तो ऐसे ही आप अपने रबर प्लांट की रेगुलर वर्क, जो रेगुलर इंटरवल है उस पर प्रूनिंग करते रहेंगे तो उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकलती रहेंगी। सिंगल प्रूनिंग के जो ब्रांच है उसमें से 3 to 4 मल्टीपल ब्रांचेस निकलती है। तो उसके बाद जब आप उसके फोर टिप्स हैं उनको प्रून करेंगे तो उससे और 4-4 करके मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी। तो ऐसे ही आपका जो रबर प्लांट है वो बुशियर लुक देगा। ये अराउंड मेरा 5 ईयर्स पुराना रबर प्लांट है। इसका जो ट्रंक एरिया देखिए कितना वेल मैच्योर्ड है। ये मेरे 16 inches के पॉट में लगा हुआ है। मैं हर साल इसकी रिपोर्टिंग करता हूँ, उसकी रूट प्रूनिंग करता हूँ, जिससे कि इसका ग्रोथ है वो वेल मेंटेन रहे। देख सकते हैं कितना वेल बुशी लुक दे रहा है, एकदम फुल एरिया कवर करने का है। बाकी जब हम नॉर्मल रबर प्लांट्स देखते हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन सिंगल ग्रो होता है, वो ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता है। तो ऐसे ही आप भी अपने जो रबर प्लांट्स हैं उनको बुशिया लुक दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और गार्डनिंग से रिलेटेड लेटेस्ट नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी गार्डनिंग।